18 फरवरी 2022 बिहार बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम ले रही है उसमें फर्स्ट सेटिंग में जो सवाल आने के चांसेस है, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें से जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ, आपको हर एक सवाल को देखना है ध्यान से, और इसको करने के बाद आपके अंदर बहुत बड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि आज मैं इस सब सवाल को भी आराम से कर लूँगा। इसके बाद जो भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आराम से कर लीजिएगा, और आपको पता होना चाहिए कि आपको 80 में मात्र 40 सवाल बनाना है, लेकिन इस वीडियो में आप 80 के 80 सवाल देख लीजिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो फर्स्ट सेटिंग वाले ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, और हाँ, पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम कंटिन्यू इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन आपके लिए हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो भाई साहब, ये तो आपकी हक बनती है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। एक बात मैं बताऊं, अगर फर्स्ट सेटिंग में अवतल दर्पण आ जाएगा तो पक्का है कि सेकंड सेटिंग में उत्तल दर्पण आएगा। एकदम बहुत बड़ा ऐसा सवाल देखने को मिला है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे बताइए, यहाँ पे दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो आपने पढ़ा r बराबर क्या पढ़ा, 2f होता है, r जो 2f। अब देखो यहाँ पे f बराबर दे रहा ना, तो f बराबर क्या होगा, r बाई टू। r बाई टू कितना, f बराबर r बाई टू। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल, यहाँ बोलता है सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बोला जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। अगर फर्स्ट सेटिंग में अगर ये सवाल आ गया है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, तो पक्का है कि सेकंड सेटिंग में बोलता अनंत वाला। अनंत दूरी क्या होता है, जो अस्पष्ट रूप से अनंत दूरी देखा जा सकते हैं, है ना, मतलब कितनी दूर दृष्टि, दूर बिंदु देखा जाए तो अनंत होता है। ये भी सवाल बनता है आपके एग्जाम में। प्रकाश, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो ये प्रिज्म में आपने पढ़ा होगा, यहां से गुजारते हैं कलर को, रेड, यहाँ पे वायलेट है, यहाँ पे रेड है, तो वायलेट तो सबसे ज्यादा झुका हुआ, बैगनी कलर ज्यादा झुकता है, लेकिन सबसे कम झुकता कौन, लाल रंग। लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और बैगनी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। ये दोनों मैटर को लेकर चलेंगे, ज्यादा कम जो भी है ना, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, अवतल उत्तल, धनात्मक ऋणात्मक, ये दोनों का अगर लेकर चलेंगे तो दिमाग में सेट रहेगा आपका। आगे, मानव नेत्र, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब, यानी कि जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। आगे, आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है, जो नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण, क्योंकि नीला कलर का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा, स्कैटरिंग जो है ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए नीला दिखाई पड़ता है। ओके, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। हालांकि अवतल दर्पण से छोटा भी बनता है, लेकिन अगर उत्तल दर्पण देखा जाए तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, समतल दर्पण में बराबर बनता है। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको नजदीक का दिख जाएगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। अब दूर को देखने के लिए क्या चाहिए, अवतल लेंस की आवश्यकता उसको पड़ जाएगी। ओके, आगे, कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन सा मशीन है जो बिजली यानी कि वायर में, तार में विद्युत धारा जा रही है, करंट जा रही है कि नहीं जा रही, उसकी मौजूदगी को दर्शाना है कौन, गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर बताता है कि हां विद्युत धारा जा रही, करंट जा रहा है। ओके, लेकिन ए मीटर जो है वो धारा को मापती है। ओके, आगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने दिया? दाएं हाथ का अंगूठे का नियम बोला गया, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, तो मैक्सवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। लेकिन बाएं हाथ का बोलेगा बाएं वाम हस्त नियम, तो फ्लेमिंग होगा, ठीक है ना। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम मैक्सवेल हो जाएगा। ओके, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो, कभी ओम दे देगा, प्रतिरोध का भी मात्रक देखा जा सकता है आपको, कूलम यानी कि आवेश का भी मात्रक पूछा जा सकता है, एम्पियर कि विद्युत धारा का मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो भाई साहब, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना जोड़िएगा उतना बढ़ता जाएगा, और समांतर क्रम में जितना बढ़ाइएगा उतना घट जाएगा, है ना, जितना बढ़ाइएगा उतना घट जाएगा। तो मान किस में बढ़ता है, श्रेणी क्रम में मान बढ़ता है, और समांतर क्रम में मान घटता है, जितना आगे बढ़िएगा मान घटते जाएगा। ओके, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है, याद कर लीजिएगा। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है एक किलोवाट।
आगे है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा, देखो सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा, हम इसको बार बार जो है रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, बार बार इसको यूज कर सकते हैं ना, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे और उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा बिकॉज ये एकदम 100% सही है, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ बता रहा हूँ, उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे और अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को, जिस प्रकार दर्पण में अवतल को बोला जाता है अभिसारी और उत्तल जो दर्पण होता है उसको बोलते क्या अपसारी, तो भाई दर्पण उत्तल दर्पण और लेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है अभिसारी अपसारी में। ओके यहां पे देखो क्या है, प्राथमिक प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो प्राइमरी कलर होता है वो तीनों ब्लू आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है ना, आर जी बी कलर होता है। ओके आगे है कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, जो आंख का जो कलर होता है ग्रीन हो गया, किसी का आंख का रंग ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन दिखता है, वो जो आयरिस जो होता है ना परितारिका उसी में उसी की वजह से आंख का रंग जो है रंगीन होता है। एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है, कितना 746 वाट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं विलास विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैं बताऊं मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो होता है प्यारे सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो मानव का जो आंख है ना उसमें भी उत्तल लेंस ही रहता है। ओके जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो कौन सा गतिशील कण होता है, जो कोई तार है अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें जो धारा जो जा रही ना धारा जो फ्लो हो रही जो करंट फ्लो हो रही वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही बहती है तो हमको लगता है करंट बह रहा है, ठीक है ना। एम्पियर घंटा मात्रक क्या, देखिए एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है ना, तो देखो आई क्या है विद्युत धारा, आई क्या है धारा है और टी क्या है समय है, धारा को एम्पियर मापते हैं और समय को किसे मापते हैं आवर या बोलो टाइम बोलो सेकेंड बोलो, तो ये फॉर्मूला किसका है आवेश का फॉर्मूला, यानी कि आवेश का ये फॉर्मूला आवेश बराबर एम्पियर घंटा होता है। ओके चलिए पहले आगे कौन सा मात्रक W के बराबर है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा V बराबर W बाई Q, ये फॉर्मूला पढ़ा W बाई Q, अब देखिए यहाँ पे Q यहाँ पे अच्छा वाट है सॉरी, तो ये तो फॉर्मूला नहीं होगा वाट, वाट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कार्य नहीं है वाट है मतलब पावर है, पावर फॉर्मूला होता है W बाई T फॉर्मूला होता है। अब मुझे जब W निकालना होगा W बराबर क्या होगा PT हो जाएगा, तो P क्या है पावर है, अच्छा ये तो खुद बोल ही रहा ना तो मुझे इसको जरूरत नहीं, यही देख लो ये जो W है ना ये W यहाँ पे कार्य है। ओके और ये जो P है ये वाट पावर का मात्रक का वाट है, तो ये W जो कार्य कार्य का मतलब क्या होता है जूल होता है, टाइम का मतलब क्या होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड, देखिए जूल प्रति सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या है एम्पियर है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है वोल्ट है ओम है, विभवांतर का मात्रक क्या है वो वोल्ट है और वाट जो है शक्ति का मात्रक है, चलिए पावर का मात्रक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है, जिम्मेदार जो गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिस्पॉन्सिबल गैस है। ओके प्यारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो शरीर में जो भोजन पचता है उसको क्या बोलते हैं उष्मा छेपी है ना, या तो आप उसको उपचयन भी बोल सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया, उष्मा छेपी बोला जाता है और उपचयन भी बोल सकते हैं चूंकि वही है दोनों का क्रियाएं दोनों सेम ही होता है। ओके चलिए आगे सवाल है कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना क्या होता है CaO, ये होता है कली चूना, जब इसमें जल डाले तो CaOH2 बन गया, ठीक है ना, तो ये जो अभिक्रिया हो रहा कौन सा अभिक्रिया, तो जब कली चूना पर जब पानी डालिएगा ना यानी कि जो सूखा हुआ जो चूना रहता है ना सूखा चूना उस पर जब पानी डालेगा तो उसमें गैस निकलेगा उसको बोलते हैं उष्मा छेपी, क्या निकलेगा उष्मा छेपी बोलेंगे उसको। आगे बताइए यहाँ पे क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड तो होगा नहीं ये तो पारा होगा नहीं, AU क्या है AU यहां पे गोल्ड है AG सिल्वर, तो सबसे ज्यादा कॉपर यहां पे इन चारों में से कॉपर जो है सबसे ज्यादा, लेकिन आपको याद कर लो सब इन जितने सारे तत्व हैं उन तत्वों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर तत्व है वो कौन है पोटेशियम है, ठीक है ना। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या, देखो चूना जल वही जब कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल डाले थे कली चूना में जब जल डाले थे क्या बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा सी, इसी को बोलते हैं चूना जल। आगे बढ़ते कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो पीएच मान क्या है, आपको पता है लाल को नीला कौन करता है, लाल को नीला जो क्षार करता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा ए वाला भी है और बी वाला भी, यानी कि ए और बी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, ओके तो कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होगा एल्काइन में, तो ये एल्काइन ग्रुप है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो यहां पे देखिए आगे सवाल क्या बोलता है,
आगे बोलता क्या, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज का होता है। ये तुम जो देख रहे हो ना, ये जो फॉर्मूला, ये है एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का आई सूत्र है। ये जो है क्लोरोफॉर्म, सवाल दिया जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा। आगे है वसीय उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन, क्या कहलाते हैं, साबुन। चूंकि साबुन जो तैयार होता है ना, वो बहुत ही फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, उच्च वसीय अम्ल होता है, हायर फैटी एसिड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। CHO एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CHO, ये किसको दर्शाता है, ये जो है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल अगर पूछेगा बाबू तो CO करेंगे, ए OH करेंगे, क्या करेंगे, OH जो है होता है एल्कोहल का होता है। ओके, एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए आगे, कीटोन है, कीटोन का क्या होता है, CO होता है कीटोन का, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एल्डिहाइड हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी, किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु की संख्या, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बोले या परमाणु का आकार बोले, दोनों का बात सेम ही है, परमाणु त्रिज्या बोले या परमाणु का आकार बोले, ठीक है, घट जाएगी। चलिए आगे देखिए सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, इन तत्वों में से अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में, अधातु तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब क्या है, अधातु बढ़ते क्रम यहाँ पे, ठीक है ना, बढ़ते क्रम यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सिलिकन क्या है, तो आपको पता सिलिकन एक उपधातु है, क्या जी, उपधातु है, सिलिकन बोल दिया जाए आपको, और क्या है, जर्मेनियम आता है, सिलिकन और जर्मेनियम आपसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, ऐसे बोरोन भी उपधातु में आता है, तो सिलिकन जर्मेनियम ज़्यादा सवाल पूछता है उपधातु। ओके, आगे बोलता है कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत का धनात्मक तत्व कैसे पहचानेंगे प्यारे, जो 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 तत्व जो होगा ना अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो कार्बन तो ऐसे पता है अधातु है ही है ये, ठीक है ना, आप देखो धनात्मक तो अधातु हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, एक क्लोरीन क्या होता है 2, 8, 7, तो ये तो एक ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक तत्व कहलाएगा। फास्फोरस 15 होता है 2, 8, 5, ये भी 3 ग्रहण करेगा तब ना 8 बनेगा यहाँ पे, लेकिन सोडियम क्या है, त्यागता है 2, 8, 1 है, 1 को त्याग देता है, तो सोडियम क्या हो गया, धनात्मक तत्व हो गया। चलिए टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तराखंड में, है ना जी, उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया। आगे सवाल है किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, बहुत अच्छा सवाल, किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाने वाला तत्व कौन यहाँ पे है, बताओ यहाँ पे किरोसिन तेल में किस धातु को डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को, है ना, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है जी। यहाँ पे पारा एक सवाल आता है, पारा आपको पता है HG होता है, जो पारा क्या धातु है, जो कि क्या होता है कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, टंगस्टन जो आपको बल्बे में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे देखिए सवाल यहाँ पे, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को किस घुमाने पर काम क्या होता है, मूलतः करती है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम जो है मूलतः कौन करती है, कुंडली कौन घुमाता है, पवन विद्युत जनित्र, तो जो गतिमान हवा रहता है, जो हवा चलती है गतिमान हवा, वही जो क्या करती है, कुंडली को बार बार घुमाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे देखो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, भाई साहब अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक वायु रहे चाहे जो भी रहे, है ना, क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा वायु में, वायु, अरे वायु तो जैसे कांच हम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं कांच, तो जैसे नॉर्मली इस्तेमाल करें तो वायु में ही तो है, पानी में तो नहीं है ना, वायु में ही तो है, तो वायु में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब ऐसे सिंपल बोला जाए तो ऋणात्मक ही होता है ना, तो सवाल घुमा के दे दिया, कभी कभी बंदा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन यहाँ पे, इनमें से कौन है जो विद्युत का सुचालक करती है, तो देखिए ग्रेफाइड क्या है, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ओके, आगे है वक्ता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बोला, दूरी क्या होगी, तो F बराबर क्या होता है प्यारे, 1/P होता है, अच्छा R दिया ना, सॉरी R बराबर 1 दिया हुआ है और यहाँ पे दूरी पूछ रहा, तो F बराबर क्या लिखेंगे, F बराबर आपको पता है ना, एक मिनट, F बराबर R/2 होता है, तो R/2 बोले तो 1/2, ठीक है ना, अब 1 जो है मीटर में दिया हुआ प्यारे, अब हम 1 को मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 50, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ओके, आगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है किरणें अभिलंब से विचलित होती है, देखो सघन माध्यम क्या होता है, डेंस मतलब गाढ़ापन, जैसे मान लेते कांच है, ये कांच क्या है, सघन है, ये क्या है, कांच सघन है, और हवा क्या है, विरल है, तो जब आपने इस तरह से बनाया था हवा, जब इधर से प्रकाश आई थी तो इसको इधर से चल जाना चाहिए था, तो इधर से नहीं जाके क्या होता है, इधर घूम गया, लेकिन जब जैसी यहां से इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन तो क्या होता है, फिर जो है
क्या होता है, देखो ऐसे भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है, इसको इधर आना चाहता तो ऐसे भाग जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या ठीक करोगे, ठीक यही करना है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, वो जो है अभिलंब से दूर भाग जाता है, ठीक है ना, ये अभिलंब हमारा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे भाग गया दूर, है ना, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में हवा से जाएगा, तो देखो हवा से इधर इधर जाना चाहिए था तो इधर झुक गया, तो हवा से अगर सघन, विरल से सघन बोलेगा तो नजदीक होगा और सघन से विरल बोलेगा तो दूर हो जाएगा, ओके। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है, कौन सा मशीन है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जनित्र होता है ना, जनरेटर जिसको बोलते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन होगा, वेरी गुड, ओके तो ये एक सवाल आपके लिए बहुत काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा, कोयला, कोयला जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश तिरछी आपतित होती है तो कौन सा अपवर्तनांक के साथ घटित होगा, याद कर लीजिएगा विक्षेपण, क्या होगा विक्षेपण, जैसे आपने पढ़ा ना कांच में जो प्रकाश को गुजार देता तो क्या होता है, वर्ण का विक्षेपण होता है, छितराव होता है, स्कैटरिंग होता है, डिस्पर्जन उसको बोला जाता है, ठीक है ना, विक्षेपण, वर्ण का विक्षेपण हो जाता है, ओके। चलिए आगे सवाल यहाँ पे देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती, यानी कि क्या प्रतिवर्ती, क्या बोलते हैं एसी धारा, हमारे घरों में जो धारा आती है, जो विद्युत आती है वो क्या आती है, एसी धारा आती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, आगे बोलता है क्या, जस्ता की परमाणु संख्या होता, क्या होता है, तो बड़ा अच्छा सवाल आ गया, जस्ता की परमाणु संख्या, तो याद करिए जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। ऐसे लोहा का भी बहुत बार पूछता है प्यारे, लोहा का बहुत बार पूछा है, लोहा का परमाणु संख्या 26 याद कर लीजिएगा, और सोडियम का भी पूछा है बहुत बार, सोडियम का 11, ओके। चलो आगे, धोबीय सोडा जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, है ना, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, तो देखो सोडियम कार्बोनेट, सब सोडियम कार्बोनेट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10 भाग पानी होता है, धोने वाला सोडा में 10 भाग पानी होता है जी। आगे बढ़ो, कौन प्रबल क्षारक है, क्षारक यहाँ पे सब के सब क्षारक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, ये क्या प्रबल है, और ये तीनों जो देख रहे हैं ये क्या है, दुर्बल है, ओके, यानी कि पुअरेस्ट बोल सकते हैं इसको, ओके। चलिए आगे, हेमेटाइट किस धातु का है, इसके हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, ये क्या है, लोहा का आयस्क, हेमेटाइट किसका है, लोहा का है। आगे सवाल है, सल्फाइड आयस्क का सांद्रण निम्न से किस विधि के द्वारा करते हैं, सल्फाइड आयस्क का जब सांद्रण कीजिएगा तो आपको फेन उत्पलवन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसका, फेन उत्पलवन विधि, ओके, तब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है ये कौन सा अभिक्रिया है, देखिए ZnRO2, तो ZN में क्या हो गया, ओ आके मिल गया, जब ऑक्सीजन का योग होता है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन, क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे अपचयन, लेकिन यहां पे योग हो रहा तो उपचयन बोलेंगे। आगे ग्लूकोज का सूत्र बताइए, C2HCC6H6C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। चलिए और ये जो देख रहे हैं एथेनॉल, ये भी याद कर लो, ये सवाल एथेनॉल में भी पूछा है, एथेनॉल का सूत्र है, ये क्या है, एथेनॉल यहाँ पे है, ओके। आगे सवाल यहाँ पे देखो क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या होता है बताओ, अम्ल का जलीय विलयन क्यों चालन करता है, अम्ल से विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, इसका मतलब ये कि वो आयनित होता है, उस वो जो जलीय विलयन क्या होता है, आयनित हो जाता है ना, आयनित होता है, ओके। चलिए आगे बताओ, लिथियम के 72 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है, इसको तोड़ोगे तो 2 लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, 2 और 1 ऐसे टूटेगा, तो आखिर में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आवर्त सारणी के शून्य समूह, शून्य समूह कितना, वर्ग 18 में शून्य होता है, 18 में कौन, हीलियम है आपको, जेनॉन मिलेगा आपको, रेडॉन मिलेगा जी, आर्गन मिलेगा जी, और क्या क्रिप्टन मिलेगा जी, है ना, ये सब क्या है, हीलियम में आता है, नियॉन भी आपका आता है, NE। चलो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व याद कर लीजिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन याद करो, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों जो है हैलोजन ग्रुप है, क्या हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, तो याद कर लीजिएगा चारों का, हो सकता है सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन हैलोजन ग्रुप का तत्व यहाँ पे है, हैलोजन समूह का तत्व कौन इनमें से है, ओके। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, जो जल में वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर से जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ओके। चलिए आगे सवाल बोलता है, हमारे शरीर का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.0 से 7.8, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओके प्यारे। और हाँ, वीडियो को जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया लाइक कर दो, या
अरे बड़ा मजा आने वाला है, सवाल एकदम गदगद हो जाओगे, सवाल आपको बहुत सारा मजा आएगा एग्जाम में जब बैठोगे ना तो लगेगा हाँ मतलब, और आपको जो अपने मैंने पढ़ाया आपको उसमें से बहुत सारा सवाल टैली करेगा, यही सब सवाल पूछेगा, कुछ कोई बड़ी सी बात नहीं, बस आपको रिविजन करना है। कौन सा यौगिक अम्ल है, अम्ल कौन है यहाँ पे, देखिए H2SO4 तो आपको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तो पता है यार, इसका नाम ही सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसको गंधक अम्ल भी बोलते हैं इसको। ओके चलो आगे है, कौन संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक यानी कि सिंथेटिक, जिसको मानव ने बनाया समझो ऐसा, तो मानव मेथिल ऑरेंज आता है संश्लेषित में, और फिर क्या फिनोप्थेलिन भी आता है, बाकी ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या, ये सब नेचुरली है, नेचुरली सूचक है, नेचुरल जिसको बोलते हैं। ओके आगे बोलते हैं कार्बन डाई, हाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या, कौन करके क्या बनाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो कार्बनिक अम्ल बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बनिक अम्ल बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉपर पायराइड का बताइए सूत्र क्या होता है, कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2, देखो याद कर लीजिएगा ये कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है, सोना, सोना जो है प्राकृतिक में एकदम फ्री मुक्त अवस्था में, किसी से रिएक्शन भी नहीं करता सोना, किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इस ऑप्शन में, तो ये सवाल देखो अब यहां पे देखो AU भी आ गया और AG भी आ गया, कॉपर भी आ गया, तो भाई AU AG तो कॉपर पटक देगा ऐसे ही, लेकिन कॉपर को जिंक जो है पलट पटक देगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, अभिक्रियाशील जिंक जो है कॉपर से ज्यादा होता है। चलिए आगे बोलता कि किसी अधातु के बाह्यतम से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बाहरी अधातु के बाहरी में 4 रहे या 5 रहे या 6 या 7 ये रह सकता है, ठीक है ना, कौन कौन रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 5 रहेगा, 6 रहेगा या तो 7 रहेगा, ठीक है ना, अधातु बोलेगा तो 1, 2, 3 या 4 रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। आगे पीतल किसकी में से धातु है, तो पीताजी, याद कर लो आप लोग पीताजी, पीतल जो है तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, ये ना कॉपर मतलब हो गया तांबा, जिंक मतलब जस्ता हो गया। ओके मजा आ रहा, कौन समायवी है, समायवी कौन, समायवी किसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला सेम हो, है ना, सूत्र सेम हो लेकिन उसका संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो एथिल एल्कोहल और डाइमिथिल एथर, इन दोनों का संरचना सूत्र सेम है लेकिन इसका सूत्र सेम है लेकिन संरचना सूत्र यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो थोड़ा सा अलग होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये बताइए इसका IUPAC, ये किसका IUPAC नाम है, केमिस्ट्री किताब में दिया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, IUPAC नाम तो आपको याद करना है, बहुत अच्छे सवाल है, तो ये जो है मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन का क्या है IUPAC नाम है, आपको क्या क्या चीज IUPAC नाम एक बार देखना है, एसिटिक अम्ल का देख लेना है प्यारे, एथेनॉल का देख लेना है, ये सब जो है ना पूछता है, एसिटिक अम्ल बहुत बार पूछा है, मेथेनोइक अम्ल भी पूछता है। ओके लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे पर कौन से ऑक्साइड बनेगा, लोहा की अभिक्रिया भाप से कराएंगे, भाप मतलब भाप समझ रहे ना, अब उस ऑक्सीजन अभिक्रिया कराएंगे, लोहा की अभिक्रिया किसे कराएंगे, भाप से कराएंगे, तो बोलता कौन सी गैस बनेगा, कौन सी गैस बनेगा, तो Fe3O4 बनेगा, क्या बनेगा, Fe3O4 गैस बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, मतलब 2, 8, 6, अब बताओ 16 किसका है, सल्फर का है यार, तो बोलता इस तत्व की वर्ग, अच्छा कौन सा वर्ग में आता है, अब बताना है, देखो आपको पता है आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है, 18वां वर्ग में आपको पता है हीलियम दिखता है ना, चलिए 17वां वर्ग में आपको यहाँ पे दिखा होगा क्लोरीन दिखा होगा शायद, हाँ क्लोरीन तो 17 होता है, हाँ क्लोरीन ब्रोमीन, इससे पहले 16वां वर्ग में आपको यहाँ पे 16वां नंबर का तत्व भी दिखेगा, क्या सल्फर दिखेगा, तो ये 16वां वर्ग में पाया जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नंबरिंग के हिसाब से आप ये कर लीजिएगा, 2 है तो 2, 5 है तो 5, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम पहले तो 1-2 ले लिया, लिथियम आप 3 ने, लिथियम 1 में पाया जाता है, तो इसको ध्यान देना है। ओके तो हमारा ऑप्शन हो गया 16वां है ना, क्योंकि 16वां पाया जाता है ये वाला, वेरी गुड, चलिए ये हमारा रहा राइट आंसर, तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और आपको बहुत एग्जाम में बहुत ही फुल मिलने वाला प्यारे। आगे बताओ कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ये कॉपर, कॉपर जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से रिएक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे मिश्र धातु 90% और कॉपर 10% तीन है, क्या है पहले क्या है, मिश्र धातु 90% कॉपर 10% तीन है, तो ये किसका है, ये ब्रोंज, ब्रोंज मिश्र धातु है कांसा, तांबा और टिन का, तांबा और टिन का, तो तांबा क्या हो गया कॉपर हो गया और टिन हो गया, तो ये 90% ये होता है, 10% ये होता है। अच्छा पीतल के बारे में जाना है, पीतल जो है और पीतांबा, पीता तांबा जस्ता से, तो तांबा यहाँ पे 80% होता है, जस्ता जो है यहाँ पे 20% होता है। सोल्डर के बारे में याद कर लो, सोल्डर सीटी याद कर लो, सीटी सीसा और टिन, ओके ये मिश्र धातु इसका बन गया। ओके चलिए आगे देखो यहाँ पे
जिंक, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बहुत ध्यान से देखना है, जिंक तो ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता, मतलब कौन सी धातु जब वायु में उच्च ताप भी करते हैं तो भी संयोग नहीं करता है, और वो कौन है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि आप इसको, हाँ इसको एजी बोलेंगे, सिल्वर है ना, एजू एजी और एजी दोनों होता है, ठीक है ना, एजी और एजी यानी कि सिल्वर और सोना चांदी दोनों जो है ना धातु में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो भी ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करता है, तो कहीं कहीं एजी तो कर लेता है, कहीं कहीं देखते हैं आप घर में देखोगे मम्मी या बहन के पास देखोगे पायल वगैरह पहनती है चांदी का, तो उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है, हल्का सा जाती है उसको साफ करवाने के लिए, लेकिन सोना वैसा नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा एजी फिर राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अयस्क में उपस्थित अपद्रव को क्या कहते हैं, यानी कि जो अयस्क होता है जैसे हेमेटाइट है, अब उसमें जो अपद्रव मिला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। एंड आखिरी सवाल यहां पे आपके लिए है कि किस गुण के कारण धातुओं के से धातुओं के तार बनाया जाता है, जो धातु से जो तार बनता है एक्चुअली उसमें क्या खूबी होता है, क्या कारण है जो धातु से तार बनाता है, उसमें तन्यता यानी कि डक्टिलिटी होता है जी, इसी के कारण जो है सोने की सबसे ज्यादा लंबी लंबी पतली पतली तारें बनाई जा सकती है, क्योंकि सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है। ओके तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला आंसर। तो यहां पे मैंने 80 क्वेश्चन करा दिया, आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना, और बहुत हेल्पफुल मिलेगा, आपने जो भी सवाल पढ़ाया मैंने, जो भी आपने पढ़ा है दैट्स वेरी वेरी इनफ है तुम्हारे एग्जाम के लिए, जिस तरह से तुमने मैथ में पढ़ा, मैथ में पढ़ने के बाद कैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा देख सकते हो, उसी तरीके से आपका साइंस में परफॉर्मेंस रहेगा बेहतर से बेहतर। ओके तो फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भाई साहब हम हाजिर हैं हमेशा। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक प्यारे, अपना 100% परफॉर्मेंस देना एग्जाम में, एकदम कंसंट्रेट के साथ पेपर को रंगना, ध्यान से गलती ना होवे। ओके ओके बाय बाय।